आज हम बनाएंगे लौकी की सब्जी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी। हाय एवरीवन, स्वागत है हमारे न्यू कुकिंग में। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लौकी ली, लौकी का छिलका निकाल के उसको हमने कट करके रख लिया है। यहाँ कुछ साबुत मसाले लिए हैं, साबुत धनिया लिए, लहसुन लिया, प्याज लिया और कुछ हरी धनिया की पत्ती ली। तो मैंने मसाले को यहाँ पीस लिया है। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसका हमें एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ तेल कढ़ाई में डाल दिया है, तेल को हम गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मेथी दाना डालेंगे, एक चुटकी हींग डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ हमें कटी हुई प्याज डालेंगे, प्याज को हम गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे। तो प्याज हमारी गोल्डन कलर की हो गई है। अब इसमें बटा हुआ मसाले को डालेंगे, मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम कटी हुई लौकी को डालेंगे। लौकी को मैंने यहाँ डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। तो लौकी हमारी मसाले में मिक्स हो चुकी है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालेंगे। आधा ग्लास इसमें पानी डालेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि लौकी की सब्जी सूखी सूखी बनानी है। ये पानी आधा ग्लास डालेंगे, पकने के लिए डालेंगे। तो अब इसे हम प्लेट से ढक देंगे, 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तीन से चार मिनट हो गए, अब प्लेट हटा के देखेंगे। तो इसे थोड़ा चलाएंगे, सब्जी अभी पकी नहीं है, थोड़ी कसर रह गई है। अब इसमें हम कच्चे आम को डाल देंगे क्योंकि कच्चे आम डालने से लौकी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हम लौकी के बीचों बीच गड़ा देंगे और इसे ढक के रख देंगे। तो पहले हटा के देखेंगे तो सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पक्की रेडी हो गई है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनाए कच्चे आम के साथ में लौकी की सब्जी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर एक बार अपने घर पर ट्राई करिएगा इस तरह की लौकी की सब्जी बनाए। आई होप वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।